जब भी दो देशों के बीच में युद्ध होता है उसका परिणाम इस चीज के ऊपर भी काफी हद तक डिपेंड करता है कि कौन सा देश अपने रिसोर्सेज और लॉजिस्टिक सपोर्ट कितने क्विकली यानी बेहद कम समय के अंदर ही बॉर्डर एरियाज तक पहुंचा सकता है। रिसोर्सेज से मेरा मतलब है ट्रूप्स, हथियार, गोला बारूद, टैंक्स, अम्यूनेशन, तोपें वगैरह, क्योंकि बड़ी मात्रा में हथियार, अम्यूनेशन, डिफेंस वेपन्स ये सब होना अलग बात होती है, लेकिन युद्ध के समय बॉर्डर तक उनको पहुंचाकर उनका इस्तेमाल करने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अगर बात करें भारत और चाइना जैसे बड़े बड़े देशों की जिनका एरिया काफी बड़ा होता है, बॉर्डर टेरेन हिली होता है, उनके लिए तो ये दिक्कतें और भी ज्यादा होती हैं। वहीं पर अगर युद्ध कुछ हफ्तों तक या फिर महीनों तक एक्सटेंड हो जाता है तो फिर तो फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर जो भी फोर्सेज वहां पर लड़ रही होती हैं उनको पीछे से लॉजिस्टिक सपोर्ट, एम्यूनेशन और गोला बारूद की सप्लाईज लगातार चाहिए होती हैं। गलवान घाटी की घटना के बाद से ही एक ब्रॉड स्ट्रेटजी के तहत चाइना ने भारत के साथ लगते अपने बॉर्डर एरियाज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर काफी तेजी से डेवलप करना शुरू कर दिया है। चाइना ने कई सारे विलेजेस को बेस बना दिया है, हेलीपैड्स बना दिए हैं, वहाँ पर एयर स्ट्रिप्स तैयार कर दिए हैं, हजारों किलोमीटर रोड्स का एक नेटवर्क बिछा दिया है। और अगर कल को चाइना और भारत के बीच कोई जंग छिड़ जाती है तो यही इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना को बहुत ही बड़ा एज प्रोवाइड करेगा। रिसेंटली एक खबर भी आई थी जिसमें चाइना ने तिब्बत रीजन में भारत के अरुणाचल प्रदेश के साथ लगते इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर के पास बुलेट ट्रेन्स तक पहुंचा दी हैं। यानी भारत के बॉर्डर के पास चाइना की बुलेट ट्रेन्स ऑपरेशनलाइज भी हो गई हैं। दूसरी तरफ भारत की बात करें तो हम बुलेट ट्रेन्स तो छोड़ ही दो, अभी तक बॉर्डर एरियाज तक हम रोड्स भी नहीं पहुंचा पाए थे। हालांकि ये बात भी माननी पड़ेगी कि पिछली गवर्नमेंट्स के मुकाबले मोदी गवर्नमेंट ने डोकलाम विवाद के बाद एक बड़ा सबक सीखते हुए चाइना के साथ लगते बॉर्डर एरियाज में रोड्स को पहुंचाने का काम बेहद फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर कर दिया है, ताकि जरूरत पड़ने पर हम भी अपने हथियार, टैंक्स, तोपें और ट्रूप्स को कम से कम समय के अंदर मोबिलाइज करके चाइना के साथ लगते बॉर्डर तक पहुंचा दें। वरना ऐसा नहीं हो कि चाइना अपने साजो सामान के साथ बॉर्डर के ऊपर पहुंच जाए और भारतीय सेना पर्याप्त नंबर्स में अपने रिसोर्सेज बॉर्डर तक पहुंचा भी ना पाए। ऐसे में भारत ने भी चाइना के नक्शे कदमों के ऊपर चलते हुए बॉर्डर तक ट्रेन पहुंचाने का फैसला किया है, और वो भी ऐसे रीजन में जहां पर चाइना को मिर्ची लगने वाली है। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर रिपब्लिक वर्ल्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक इंडियन रेलवेज ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में एलएसी के पास तक रेलवे लाइंस बिछाने का फैसला किया है, जिससे भारत की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को मेजर बूस्ट मिलेगा। तवांग सेक्टर एलएसी के बिल्कुल पास है। रिसेंटली सेक्टर में भारत और चाइना के ट्रूप्स के बीच झड़प भी हुई थी एंड वहां की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें भारत के जवानों ने चाइना के सोल्जर्स की पिटाई की थी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के रेलवे जनरल मैनेजर अंशुल गुप्ता ने जानकारी दी है कि फाइनल लोकेशन सर्वे पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है, यानी ये डिसाइड हो गया है कि ये रेलवे ट्रैक कौन सी लोकेशंस के ऊपर बिछाया जाएगा और ये कहां से क्रॉस होगा। उन्होंने कहा कि फाइनल रिपोर्ट तैयार करके हायर अथॉरिटीज को भेज दी गई है एंड कभी भी अप्रूवल आ सकता है, जिसके बाद इसका काम बेहद तेजी से पूरा किया जाएगा। इसके बाद इंडियन आर्म फोर्सेस तवांग सेक्टर में एलएसी तक अपने ट्रूप्स, डिफेंस वेपन्स और इक्विपमेंट की डिप्लॉयमेंट काफी तेजी से कर पाएगी। इसके साथ उन्होंने ये भी जानकारी दी कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने दो और प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। बामे आलो लाइन जो अरुणाचल प्रदेश के एलएसी के पास मेचुका तक जाएगी, और एक तीसरी लाइन भी है जो फासीघाट से होते हुए परशुराम को क्रॉस करके वाक्रो तक जाएगी। वाक्रो भी चाइना के साथ लगती एलएसी के थोड़ा दूर ही है। इन दोनों लाइन्स का भी सर्वे पूरी तरह से कम्प्लीट हो गया है और इंडियन रेलवेज का कहना है कि उनकी कोशिश होगी कि ये तीनों प्रोजेक्ट्स साल 2025 के मार्च महीने तक कंप्लीट कर दिए जाएं। तवांग, मेचुका और वाक्रो ये तीनों पॉइंट्स चाइना के साथ लगती एलएसी के कुछ ही किलोमीटर अंदर हैं, और ये अरुणाचल प्रदेश के ईस्टर्न, मिडल और वेस्टर्न पार्ट तीनों रीजन्स में फैले हैं। अब देखा जाए तो ये काफी हिली एरियाज हैं और यहाँ तक ज्यादा डेंस पॉपुलेशन भी नहीं है। ऐसे में यहाँ तक रेलवे ट्रैक्स बिछाना ये साफ दर्शाता है कि भारत अरुणाचल प्रदेश को डिफेंड करने के लिए ही ये सारे ट्रैक्स बिछा रहा है, ताकि भारतीय सेना की डिप्लॉयमेंट को तेज किया जा सके। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या आप मोदी सरकार के कामों से संतुष्ट हैं? क्या आप नेक्स्ट ईयर प्रधानमंत्री मोदी के लिए वोट करेंगे, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।